हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी, मैं हूं आपका अपना सिंग्स मैन। सो आपने बर्गर्स तो काफ़ी सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट ग्रिल्ड बर्गर खिलाने लाया हूं। तो अपना KS फास्ट फूड पे आए हैं, यहां पे ये सैंडविच और बर्गर बना रहे थे, तो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि एक बार आप इनका ट्राई ज़रूर करो, टेस्ट अच्छा है। मतलब क्यों ना जाके वहाँ पर ट्राई किया जाए। तो अभी मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसा है यहाँ का स्वाद। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है विक्की। तो आप कितने टाइम से ये बना रहे हो? सर मैं यहाँ 2.5-3 साल से लगा रहा हूँ। ठीक है, और आप कौन कौन से बर्गर बना रहे हो? मैं मसाला सैंडविच लगा रहा हूँ, ग्रिल सैंडविच के अंदर जो चीज़ सैंडविच है मेरे पास। हाँ जी, ठीक है। तो दो सर, दो नॉर्मल सैंडविच है मेरे पास। ठीक है, और बर्गर? बर्गर भी सर मसाला बर्गर है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आप लगाइए हमारे लिए बर्गर, आज आपका बर्गर टेस्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है जी, ये लग रहा है जी इनका बर्गर। ये आपने क्या लगाया जी बर्गर के ऊपर? सर ये मैंने स्पाइसी चटनी लगाई है। ये आपने खुद बनाई है? जी सर। ठीक है जी, ये स्पाइसी चटनी है जी इनकी। और ये क्या लगा रहे हो? ये सर मिक्सचर है, तंदूरी है, मेयोनीज है। अच्छा, मेयोनीज में ये सारी सब्जियां हैं जी सर? टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, खीरा है। ठीक है जी, ये सारा देख रहे हो जी मिक्सचर है। और ये लग रहा है बढ़िया सा बर्गर अपने लिए। और ये इनकी ग्रिलर में ये टिक्की जो आप बना रहे हो, ये बर्गर के लिए है ना? जी सर। तो ये खुद बना रहे हो आप? जी सर, ये खुद बनाते हैं हम आलू टिक्की। ठीक है जी, ये घर पे बना रहे हो मतलब आप? ठीक है। और ये लग रहा है जी इनका बर्गर। ये क्या डाला आपने? ये सर है चाट मसाला। चाट मसाला, ये तो नॉर्मल मार्केट से ले लिया आपने, है ना? चलो, एकदम जी सिंपलिसिटी वाला बर्गर बना रहे हैं, मतलब ज़्यादा कोई थड़क भड़क नहीं है। और मेरे को हमारी किसी फ्रेंड सर्कल में से रिकमेंड किया था कि यहाँ का एक बार ट्राई करके आ, टिक्की अच्छी है इनकी। तो मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ यहाँ का स्वाद कैसा है। ये क्या डाल रहे हो? सर ये मायो है। अच्छा, मायो डाल रहे हो, मायो भी देख लो जी। कौन सी यूज़ कर रहे हो आप? ये सर फन फूड की है, डॉक्टर ऑर्डर की है। देख लो जी, फन फूड की मायो यूज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर सैंडविच भी है। ये हो गए जी बर्गर अपने, ये कर रहे हैं अब यहाँ पे बर्गर को ग्रिल। और इसका प्राइस कितना है? सर ओनली 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ का? हाँ सर। 30 रुपये में आप इतना बढ़िया बर्गर बना के दे रहे हो। ठीक है जी, ये बटर लगा रहे हो? जी सर, ये बटर है। ये लग रहा है जी इसके ऊपर बटर, और बटर लग के ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ग्रिल बर्गर हैं जी ये, एकदम तवे वाले नहीं है। आ गए अपने बर्गर, और ये भैया इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला और लगा रहे हैं। ये वापस से इन्होंने डाली है थोड़ी सी मेयो, और मतलब क्रीमी बर्गर है ये। ये जी इनका क्रीमी बर्गर, सिंपलिसिटी वाला बर्गर है, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है। और ये रिकमेंड किया था मेरे फ्रेंड ने, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ट्राई किया जाए कि स्वाद कैसा है इनका। तो मैं आपको चख के बताता हूँ इसका कैसा स्वाद है। टिक्की यूनिक है, मेनली जो दम होता ना बर्गर की टिक्की में होता है। इन्होंने जो अपनी स्पाइसी सॉस लगाई है वो भी बहुत बढ़िया है, टिक्की का भी अच्छा स्वाद आ रहा है, और जो मेयो वाला मिक्सचर है पूरा बैलेंस टेस्ट है। मतलब सिंपलिसिटी वाला बर्गर है, सिंपल मसाले हैं, कोई ज़्यादा तड़क वड़क नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बर्गर है, मज़ेदार है, एक नंबर का। अगर आपको ये बर्गर खाना है, मैं पक्का कहूँगा एक बार ज़रूर ट्राई करके जाओ। सिंपल बर्गर है, बहुत अच्छा बर्गर है। गीता भवन वाली गली में इनकी कार्ट है KS फूड के नाम से, बिल्कुल विक्की एंड वरुण कटिंग वाले हैं, उनके बिल्कुल सामने हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है, अगर आपको ये वाकई टेस्ट करना है आ जाओ फटाफट से। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जिनको ऐसी खाने पीने की चीज़ें पसंद हैं। और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। इसी के साथ मिलूंगा किसी नई सी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।